हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबों का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम हैं बलुआहा पुल के पास। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो बलुआहा पुल है ये बहुत ही प्रसिद्ध पुल है बिहार का। तो बिहार का ये प्रसिद्ध पुल है और ये पुल बना हुआ है कोसी नदी पर। तो चलो यार, बस बने रहो वीडियो पर और दिखाता हूँ आज के इस पुल के दृश्य को। और शायद आपने आज से पहले इस तरह का दृश्य नहीं देखा होगा, या फिर देखा भी होगा तो इस वीडियो में आपके लिए मैं कुछ विशेष लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो पुल है ये पुल 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस पुल की खासियत यह है कि ये बहुत सारे सिटीज़ को जोड़ करके रखी हुई है। जैसे कि ना, यदि आप सहरसा से दरभंगा जाना चाहो तो दरभंगा जा सकते हो, पटना जा सकते हो, मधुबनी जा सकते हो, या और भी बड़ा बड़ा शहर है जो कि इस पुल के माध्यम से अब कनेक्ट हो चुकी है सहरसा से दोस्त। तो फ्रेंड्स, ये जो पुल है ये पुल बहुत ही लंबा चौड़ा है, एकदम 2.5 किलोमीटर का इसका लंबाई है। और 2.5 किलोमीटर तक दूर तक जो ये फैला हुआ है, तो 2.5 किलोमीटर तक आज हम लोग चलेंगे। और ये देखिए, ये है कोसी नदी। ये देखिए, दूर दूर तक एकदम नदी ही नदी, पूरा पानी ही पानी है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं भी यहाँ का लोकल नहीं हूँ, तो ये एक भैया हैं। तो कोसी पुल कितना ईस्वी में लगभग बना था? 2014 में बना। और अभी ये कितना किलोमीटर का है? ये 2.5 किलोमीटर का ये पुल है। 2.5 किलोमीटर का। तो पहले के समय में होता ये था कि जब लोगों को जाना होता था कहीं, तो लोगों को नाव से जाना पड़ता था या बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली आज जो मैं आया हूँ, तो आज मैं पर्सनली आप लोगों को ये वीडियो दिखाने के लिए ही आया हूँ। और ये जो सीन है, ये सीन मुझे तो बहुत पसंद आया था। मैं पहले भी आया था इधर, बट मैं उस टाइम में वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो यार इस बार दिखा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो पुल है, तो इस पुल के चारों ओर आप देखिए, ये तो चारों ओर एकदम प्राकृतिक सुंदरता तो है ही। और ये खास करके ये पानी जो है ना, क्या बताऊँ, यहाँ पर जो अभी आवाज़ आ रहा है, इतना ज़बरदस्त आवाज़ आ रहा है पानी का, बीच बीच में गाड़ी सब चलती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ मैं सुन पा रहा हूँ ना पानी का, जो अभी मैं साउंड सुन रहा हूँ तो ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम शानदार। और फ्रेंड्स, ये देखो इधर ना, ये यहाँ पे रोड के बगल में ना वेपर लाइट लगा हुआ है, और वेपर लाइट के कारण रात को भी एकदम झकाझक करते रहता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनका घर यहाँ से दूर होगा, या फिर हो सकता है कि वो बिहार से बाहर के हो, या फिर आप यदि बिहार के भी हो तो आप हो सकता है कि इस पुल तक नहीं आए होंगे। तो इस पुल को मैं दिखा देता हूँ, यदि आप नहीं आ सकते तो मैं आपको वीडियो तो दिखा सकता हूँ ना। तो बस वीडियो पर बने रहिए और मस्ती से वीडियो को देखते रहिए। और देखिए वीडियो में आपको मैं आज क्या क्या दिखाने वाला हूँ, ये पुल का आपको पूरा दृश्य दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, ये तो रोड है ना, और ये जो आप देख रहे हो ये है फुटपाथ, इधर से होकर के लोग चलते हैं बस। और वो लोग उधर वहाँ नाव पार कर चुके हैं। और ये पानी इतना तेज है ना कि नाव देखिए अभी तुरंत तुरंत निकली थी, बट ना तुरंत एकदम फटाफट वो लोग उधर चले गए। ये लोग नाविक हैं और मछली शायद पकड़ते हैं ये लोग। और यार जो इधर रहते होंगे ना, शायद उसको बहुत मज़ा आता होगा, पता नहीं, बस मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको मैं एकदम शांति महसूस हो रहा है, बस बीच बीच में गाड़ी वगैरह चल जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट यार बहुत मज़ा आ रहा है। तो यार सच कहूँ तो पानी का रफ्तार तो एकदम इतना तेज है ना कि क्या ही बताऊँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे, पानी का रफ्तार बहुत तेज है।
मतलब पानी को समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाना है, यहाँ ऐसे ऐसे एकदम वैसे से घूमने लगता है, एकदम अजीब है यार। और वैसे मुझे लगता है कि यदि कोई आदमी भूल से भी गिर जाए इसमें तो पता नहीं वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पानी का रफ्तार इतना ज़्यादा है कि किसको कहाँ लेके चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स जहाँ पर वो गाड़ी है अभी तो वहीं से पुल का स्टार्टिंग होता है। और मैंने आपको शुरू से वीडियो दिखाया, और शुरू से इसलिए दिखाया कि ये जो 2.5 किलोमीटर का जो पुल है तो मैं ये सोचा कि ये 2.5 किलोमीटर आपको मैं पूरा दिखा दूं। और ये कितना मतलब मुझे लगता है कि बहुत अधिक होगा तो 10 मिनट का वीडियो होगा या फिर उससे जो कुछ अधिक हो या कम हो। तो अभी तो मैं बस तो यार यहां मैं रुक करके वीडियो बनाया था और अब मैं सोच रहा हूं कि अब मैं आगे चलूंगा, चूँकि आपको तो पूरा 2.5 किलोमीटर में दिखा ही दूंगा और आप बस देखते रहो, मस्ती से बने रहो हमारे साथ। और चलो यार आगे शुरू करते हैं और दिखाता हूँ आगे का मैं आपको सीन। तो फ्रेंड्स ये जो है ना यहाँ से इधर पुल नहीं है, और पुल जो है सो शुरू होता है यहाँ से, पुल स्टार्ट होता है यहाँ से, ये है पुल का स्टार्टिंग पॉइंट। तो इधर से अभी हम लोग सहरसा की ओर जाएंगे और ये जो है स्टार्टिंग सीन है। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने अपना बैग लटका लिया है और अब निकलना है आगे की ओर। तो फ्रेंड्स आगे चलते चलते मैं अभी एक ऐसा जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर ना ये नदी एकदम सूख चुकी है। और ये देखो, और ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर कोसी नदी सूखा हुआ है और यहाँ पर आई थिंक कि फार्मर लोग खेती करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये सीन भी आपको दिखा दूँ। इसको टीला कहा जाता है ना, क्या कहा जाए तो फ्रेंड्स ये जो नदी के बीच में जो कुछ पार्ट जो सूखा हुआ रहता है इसको चाचर बोला जाता है शायद यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, मुझे भी उतना पता नहीं, मेरा दोस्त बताया। तो अभी हम लोग यहाँ रुके और अब यहाँ से अब फिर आगे बढ़ेंगे। ये पुल तो वैसे बहुत बड़ा है और ज़बरदस्त लग रहा है यार, सच बता रहा हूँ ज़बरदस्त लग रहा है। आप यदि कभी आओगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना मज़ा आता है इस पुल पे, उसमें भी मॉर्निंग के टाइम में तो कहा ही नहीं जाए। तो वो देखो यार उधर मैं था, उधर वो कोसी नदी की तरफ था मैं, और ये जो है ना ये यहाँ बीच में सूखा हुआ है और ये बहुत दूर तक, उधर बहुत दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत दूर तक एकदम फैला हुआ है। और फिर आगे नदी है, उधर आप देख रहे होंगे, वो जो आप देख रहे हैं उधर नदी है। तो यार अब मैं चलते चलते पुल के एंडिंग पॉइंट पे आ गया हूँ और आप वो बोर्ड देख रहे होंगे। तो कहा जाए तो सहरसा वालों के लिए वो हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, और उधर जो मधुबनी से आएगा उसके लिए उधर हो गया स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ मैंने दिखाया था। तो अब मैं एंडिंग पॉइंट की ओर आ चुका हूँ।
और यार बीच बीच में ना बाइक सब चलता है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता होगा आप लोगों को, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको ये सीन दिखा ही दिया। तो अब मैं आपको एंडिंग पॉइंट जो है यहाँ, जैसे पुल जो खत्म होता है तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है और आपको मैं अब चलते चलते उस बोर्ड तक मैं जा रहा हूँ, और पता नहीं कि शायद आपको दिखे कि ना दिखे, बट जैसे कि इस पुल के पास से दिख रहा है, यहाँ से सुपौल है 38 किलोमीटर, सहरसा है 18 किलोमीटर और मधेपुरा है 40 किलोमीटर और पूर्णिया है 122 किलोमीटर। तो इस टाइप का ये बोर्ड लगा हुआ है, तो ये है सहरसा की ओर जाने के लिए ये बोर्ड लगा हुआ है। वह है सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। तो फाइनली यार अब हमने पुल को फिनिश कर लिया, अब जितना भी मुझे चलना था मैं चल चुका हूँ। और ये जो बोर्ड लगा हुआ है तो इधर भी मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये सहरसा से यदि मधुबनी की ओर जाना है तो मैं इधर का आपको सीन दिखाता हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, तो ये बोर्ड है जैसे आपको पटना जाना है तो 170, आपको सब दिख रहा होगा, मैं आपको क्या उतना एक्सप्लेन करूं। तो ये इधर से कि इधर से ना, आप यदि आपको सहरसा से उधर मधुबनी की ओर जाना है या फिर दरभंगा पटना जाना है तो ये है इधर का सीन, और यदि आपको इधर जाना है तो इधर है सहरसा। तो और ये जो है ना, ये बलुआहा चौक है और ये चौक बहुत बड़ा है। तो अब मैंने पुल को फिनिश कर लिया है, और तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यार बहुत ही कठिनाइयों से वीडियो बनाया हूं तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पक्का करके जाएं। बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मस्त रहो, खुश रहो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो।